नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अमेरिका की खबर से, जहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर कोर्ट ने उन्हें कई मामलों में दोषी करार ठहरा दिया है। अब ऐसे में जब चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी दिक्कतें नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 34 आरोपों में दोषी ठहराया गया है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मामला चलाया गया है। ट्रंप पर 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के बदले पैसों का भुगतान करने की बात छिपाने और अपने कारोबारी रिकॉर्ड में हेरफेर करने के 34 आरोप थे। अब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में दोषी करार दिया गया है। उन्हें इन सभी आरोपों में दोषी पाया गया है। ट्रंप ने डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर के सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल के साथ भी किसी भी तरह का संबंध बनाने से इनकार किया, यानी कि इन दोनों ही बातों पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार किया है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 34 मामलों में दोषी ठहराया है, यानी कि हश मनी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है। ऐसे में उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए। और अगली खबर हांगकांग से सामने आई है, जहां पर कई लोकतंत्र समर्थकों को दोषी ठहराया गया है। इनमें कई पूर्व सांसद भी शामिल हैं। इन सभी को दोषी ठहराया गया है। दरअसल 14 लोकतंत्र समर्थकों को दोषी करार दिया गया है। हांगकांग की एक अदालत ने बीजिंग द्वारा लागू कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे बड़े मामले में 14 लोकतंत्र समर्थकों को दोषी करार दिया है। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है, उनमें पूर्व सांसद लेउंग वोक हंग शामिल हैं, लेम चोंग टिंग शामिल हैं, हेलेना वोंग शामिल हैं और रेमंड चेन शामिल हैं। ये सभी नाम हैं उन पूर्व सांसद के जो इसमें शामिल हैं। दोषी ठहराए गए लोगों को उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पूर्व जिला काउंसलर और लॉरेंस लाओ को बरी कर दिया गया है। साल 2021 में एक अनौपचारिक प्राथमिक चुनाव में शामिल पाए जाने के लिए 47 लोकतंत्र समर्थकों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, जिनमें से 14 समर्थकों को दोषी करार दिया गया है। प्रोसिक्यूटर्स ने इन समर्थकों पर हांगकांग सरकार को कमज़ोर बनाने और ज़रूरी बहुमत हासिल कर शहर के नेता को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। यानी कि अब इन 47 लोगों में से 14 लोकतंत्र समर्थकों को दोषी करार दिया गया है। इसमें कोई भी अपडेट सामने आएगा, क्राइम तक आपको बताता रहेगा। और अगली खबर सामने आई है, जहां पर इज़राइल और हमास के बीच का लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। दरअसल हमास ने अब इज़राइल के सामने एक समझौते की पेशकश की है। हमास का कहना है कि अगर इज़राइल गाज़ा में हमला रोक देता है तो वो कैदियों की अदला बदली की डील को मान सकते हैं, यानी कि रिहा कर सकते हैं उन लोगों को जो उनकी कैद में हैं। हमास ने जारी बयान में कहा कि अगर इज़राइल गाज़ा में लोगों के खिलाफ युद्ध बंद कर देता है तो वो एक कंप्लीट एग्रीमेंट करने को तैयार है। हमास का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब यूएन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश के बावजूद इजरायली सेना गाजा के दक्षिणी शहर राफा में लगातार हमले कर रही है। हमास ने कहा अगर इजरायल गाजा में जंग रोक देता है तो वो एक समझौता करने के लिए तैयार है, जिसमें हॉस्टेज एक्सचेंज डील भी शामिल है। यानी कि अगर ये बात मान ली जाती है तो जितने भी हॉस्टेजेस वहाँ पर हैं उनकी अदला बदली का जो एक डील है वो की जा सकती है। और अगली खबर पाकिस्तान से, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 9 मई को हुई हिंसा में जो उनका नाम शामिल था, अब इसको कोर्ट ने उनको सबूत कम होने की वजह से, यानी कि सबूत कम पाए गए हैं, जिसके चलते इमरान खान को इस मामले में बरी कर दिया गया है। शक्तिशाली सेना के साथ मतभेद करने के बाद से खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक खान के समर्थकों ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद पिछले साल सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया था। 9 मई को भड़की हिंसा के मद्देनज़र पार्टी के नेताओं को गिरफ्तारी और पलायन का सामना करना पड़ा। अब इस पूरे मामले में अदालत के सामने पर्याप्त सबूत पेश ना करने की वजह से, यानी कि इस मामले में कोई सबूत नहीं था, जिसके चलते इमरान खान को इस मामले में बरी कर दिया गया है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।